नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान आंदोलन का 59वां दिन है लेकिन मसले का हल नहीं निकला है। कल की बातचीत में भी कोई रास्ता नहीं निकला बल्कि कल बातचीत में तलखी देखने को मिली। लेकिन कल देर रात एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें किसानों ने यह दावा किया कि आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है। किसानों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे संदिग्ध युवक को पकड़ा है जो 26 जनवरी को होने वाले हमारे ट्रैक्टर मार्च में हिंसा भड़काना चाहता था और उसके और भी साथी हैं जिन्हें हथियारों के बल पर हिंसा भड़काने के लिए पैसे दिए गए हैं। इसके साथ ही किसानों ने संदिग्ध युवक को मीडिया के सामने पेश किया जहां युवक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। बाद में किसानों ने उस युवक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को सौंपे जाने के बाद युवक अपने बयानों से पलट गया और कहा कि उस पर दबाव देकर ऐसा करने के लिए कहा गया था। अब इस पूरे मामले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और पुलिस का बयान भी सामने आया। लेकिन वैसे पूरा मामला है क्या, यह सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, फिर इस मसले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या इस किसान आंदोलन में घुसपैठ की कोशिश हो रही है, क्या 26 जनवरी को हिंसा भड़काने की साजिश थी। ये सवाल बड़े हैं। देर रात किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों का यह दावा कि आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है। किसानों ने एक युवक को पकड़ा, यह हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि संदिग्ध युवक को मीडिया के सामने किसान लेकर आए। युवक ने मीडिया के सामने स्वीकारा कि कैमला में सीएम की रैली में भड़काई थी हिंसा, ये उसने कहा। आंदोलन को बदनाम करने में लड़कियां भी शामिल, ये भी उसने कहा। पैसे देकर कुछ लोग अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, यह संदिग्ध युवक ने मीडिया के सामने कहा। 26 जनवरी को गोलीबारी करनी थी, यह बात उसने कही। लेकिन बाद में बयान से युवक पलट गया, उसने कहा कि मुझे अगवा किया गया, दबाव बना गया, पहले मारा पीटा गया, मीडिया के सामने बयान दिलवाया गया, दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के आया था, उसने यह कहा। 19 तारीख की शाम कुंडली एरिया में वो जा रहा था वहां से, तब उसने झूठ बोला कि कोई लड़की छेड़ रहा है, यह उसने खुद कहा, स्वीकार किया। हालांकि कोई भी लड़की को नहीं छेड़ रहा था, ये संदिग्ध युवक ने कहा। वहां लोगों ने पकड़ लिया और कैंप में लेकर गए, ट्रॉली में उल्टा लटकाकर बेल्ट से मारा पीटा गया, ऐसा युवक ने कहा। पुलिस ने क्या कहा, गिरफ्तार आरोपी सोनीपत का निवासी है। पुलिस ने खुलासा किया, 19 तारीख को किसानों ने युवक को पकड़ा, यह भी पुलिस ने कहा। 9वीं फेल है आरोपी, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसका। हथियार सप्लाई की बात की जांच पुलिस कर रही है, यह पुलिस ने कहा। कॉल रिकॉर्ड और सोशल अकाउंट पुलिस खंगाल रही है, यह पुलिस का बयान आया। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध युवक पर सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सुचारू हैं और तय कार्यक्रमों के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। लेकिन इस पूरे मामले पर आज दिन भर किसान संगठनों की तरफ से बैठकें होती रही, पुलिस के साथ बातचीत होती रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आना बाकी है, उनका रुख जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट अब तक उनके सामने आ चुकी है। सीमा जी, बिल्कुल, देखिए शमशेर, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे पीछे में जो जगह देख रहे हैं ये मंत्राम रिजोर्ट है, जहां पर लगातार 2 बजे से किसानों की पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है। दिल्ली के पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि साथ में हरियाणा और यूपी के भी जो पुलिस आला अधिकारी हैं उनके साथ में लगातार मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग इतनी लंबी है, इससे आप मायने समझ सकते हैं। लगातार जिस तरीके से एक तो किसानों की तरफ से जो ट्रैक्टर मार्च की बात कही जा रही है, उसके बाद जो कल ये घुसपैठ वाला मामला सामने आया, उसके बाद डेफिनेटली पुलिस की ही नहीं बल्कि किसान नेताओं की भी नींद उड़ा रखी है। उनको लगता है कि कहीं भी किसी तरीके से कोई अहिंसात्मक घटना इस दिन ना घटे, क्योंकि 26 जनवरी का दिन हिंदुस्तान की तमाम जनता के लिए, चाहे वो किसान हो, आम हो, खास हो या सरकार, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुलिस
कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए पहले ही हालत खस्ता होती है, उसके बाद अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो डेफिनेटली ये बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए भी है और देश की जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए भी। इसलिए शायद ये जो आज मीटिंग है बहुत लंबी चल रही है समशेर, और शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से जैसा बार बार कहा जा रहा है कि वो एक ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर निकालना चाहते हैं, शायद पुलिस ऑफिसर की तरफ से प्रॉपर तरीके से जो उनके पास जो जांच में जो सबूत या पुख्ता इंफॉर्मेशन आई है उनको किसानों के साथ साझा कर रहे होंगे, तमाम तरह के जो एक्सप्लेनेशन पुलिस की तरफ से है वो किसानों को दिए जा रहे हैं, शायद ये मनाने की कोशिश अंदर में चल रही है कि यहाँ दिल्ली में एंटर करना कितना सुरक्षा को सेंध लगाने जैसा है, तमाम तरह की अटकलें जो लगाई जा रही है उसके हिसाब से अभी तक पुलिस की तरफ से यही इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि पुलिस की तरफ से हर कोशिश ये की जा रही है कि किसानों को मनाया जाए कि वो दिल्ली में मार्च ना करें, कोई और अल्टरनेट जगह उनको मुहैया कराई जा सकती है। संक्षेप, बिल्कुल चर्चा चल रही है और इस पूरे प्रकरण को लेकर जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद विस्तार से जानकारी हमारे पास आएगी। सीमा जी आपके पास लौटेंगे पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवाऊंगा। और जब ये पूरा मामला कल मीडिया के सामने आया उसके बाद पुलिस तक बात पहुंची, पुलिस की तरफ से बयान सामने आए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ पैनल में जो लोग जुड़े उनका कहना क्या है पहले एक एक कमेंट उनसे लेंगे। मेरे साथ अरुज अत्रे हैं, नेता कांग्रेस पार्टी से। अत्रे साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, मेहमानों को एक एक करके स्क्रीन पर लेकर आया जाए। अजय सहरावत हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सहरावत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शंभु भद्र वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। राकेश बैंस हमारे साथ जुड़ेंगे मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन के, उनसे बात भी करेंगे। तो ये जो मामला है इस मामले को लेकर आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी हिंदुस्तान के लिए गौरव का दिन है, हमारा गणतंत्र दिवस होता है। उस गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर कोई इस प्रकार की हिंसा की तैयारी कर रहा है तो वो वाकई में बहुत इस प्रकार का एक कार्य है जिसको निंदनीय कहा जाएगा। लेकिन इस मामले में जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उनका क्या कहना है, सरकार के लोगों का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है और राजनीति के जानकार लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले एक कमेंट लूंगा, अत्रे साहब पहले आपके पास आना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका मानना क्या है? जो कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है और जो संदिग्ध युवक किसानों ने पकड़ा उसको मीडिया के सामने लेकर आया जाता है, वो अपनी बात रखता है लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस को सौंपा जाता है तो अपने बयानों से पलट जाता है, इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? देखिए कहीं ना कहीं मामला पहले उससे ही नजर से ही संदिग्ध तो लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसको समझा बुझा के भेजा है, प्लांटेड है। और देखिए इसको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे लाभ और हानि किसी राजनीतिक दल को हो सकती है तो किसको हो सकती है, और इस तरह की जो है वहां पर जो ये आंदोलन चल रहा है लगातार पहले दिन से ही इस आंदोलन को जो कमजोर करने का प्रयास किया गया है वो कौन से राजनीतिक दल की तरफ से किया गया है। लगातार किसानों को जब से ये आंदोलन पे बैठे हैं 59 दिन हो गए हैं आज, तो उनको न जाने आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, माओवादी बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग के बोला गया, देश विरोधी बोला गया, उनके पास हथियार का बताया गया, जखीरा और देश को तोड़ने वाले लोग बताए गए। तो ये सब कौन से राजनीतिक दल ने बोला, उसके पीछे क्या मंशा थी, ये भी सब देखने का विषय है कि आखिर किसान अगर वहां पर बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर अलग अलग जगह पर वो किसान बैठे हैं, अपनी इच्छा से नहीं बैठे, स्वेच्छा से नहीं बैठे, इतने ठंड के भीषण ठंड के मौसम में 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, पूरी सर्दी उन्होंने इस मौसम में निकाल दी, अपने दिन और रात अपना गांव छोड़ के घर बार छोड़ के अपना खेत छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, तो उनसे सरकार को और सत्ताधारी दल को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतना एहसास होना चाहिए और इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि उनके ऊपर थोड़ा सा हमदर्दी दिखाई दे। लेकिन बावजूद उसके कि उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए, किस तरह से उनको अपमानित करने का प्रयास किया, ये आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, फिर अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा है कि कैसे किसानों के जो 2 नेता हैं बड़े नेता आपस में उनमें कहीं ना कहीं फूट डलवाने की कोशिश की गई। एक RSS से समर्थित जो इनके संगठन से कक्का जी हैं उन्होंने बडूनी जी को किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए और बाद में फिर वो हो गए, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है। नहीं इसको लेकर तो कक्का जी इनकार कर चुके हैं कि RSS से नहीं है, वो कह चुके हैं, उसमें आपको क्यों लगता है कि RSS से है? वो आपस में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो दोनों को सोचना चाहिए, बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, दोनों को इस पूरे मामले पर जो बयानबाजी करनी चाहिए थी बड़े धैर्य के साथ करनी चाहिए थी। देखिए किसानों का RSS का संगठन का वो अगवा रहे हैं, उन्होंने अगवा किया है और अभी
किस कारण से ऐसा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं सर, वो कभी कांग्रेस में रहे, कभी बीजेपी में रहे, लोग पार्टियां, लेकिन कांग्रेस में कभी नहीं रहे। हाँ नहीं, मैं ऐसी सोच के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है ना कभी रहे वो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी कांग्रेस ही होते थे, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं। उनपे कक्का जी पे बात, इसको मैं नहीं रोकना चाहूंगा। मैं पूरी बात जो है, जब से ये चल रहा है आंदोलन और आज तक की लेकर के बात कर रहा हूँ मैं आपसे, की देखिये सबसे बड़ी बात पहले ये है की आखिर किसान वहां पर बैठा क्यों रखे, क्यों किसानों को रोका हुआ है। सरकार कहती है कि हमने उनकी 95% बातें मान ली हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने 95% उनकी बात मांग करके और ये जो तीन काले कानून हैं इनमें से हटा दी हैं, तो ये आखिर 5% की जिद क्यों रह गई है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये किस बात का अहंकार है? जब आपने 95% मान ली तो 5% मानने के लिए आपको किसका दबाव है कि ये 5% मानना है? फिर आप कहते हैं कि हम इसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे। 1.5 साल के लिए स्थगित करने के पीछे क्या मंशा है? जब आपने स्थगित कर ही रहे हैं और नहीं लाना, तो अभी संसद का सत्र आ रहा है, उसमें इसको बैठ करके स्थगित कीजिए, नए सिरे से इस पर चर्चा कीजिए, नए सिरे से बिल ड्राफ्ट कीजिए, नए सिरे से संसद से सारे चुने हुए प्रतिनिधियों से, सत्ता पक्ष के दलों से, विपक्षी दलों के उनके सलाह मशवरा से नया कानून ले आइए जो किसानों को मंजूर है। किसानी संगठनों से बात करके 11 दौर की बातचीत हो चुकी है कृषि मंत्री जी की, गृह मंत्री जी ने भी बात की अलग से, और सरकार की अलग अलग स्तर पे इतनी लंबी बातचीत हो गई, लेकिन नतीजा नहीं निकलने आ रहा है। ये तो ऐसा बातचीत का चल रही है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारे की बात चल रही हो, जो अभी तक सुलझ नहीं रहा। ठीक है, सरकार आपकी, किसान आपके, ठीक है, मैं वही किसान है जिन्होंने आपको भर भर के। अजय सहरावत से, अजय सहरावत से बात कर लेते हैं। सहरावत साहब, पहले तो जो मैंने चर्चा आज की, इस चर्चा पे बात आपसे करना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो निंदनीय होती हैं, और लोकतांत्रिक देश की जो हम बात करते हैं, हमारे देश में ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बहुत बड़ी साजिश है तो उस साजिश को सरकार बेनकाब करेगी, प्रशासन बेनकाब करेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसे प्रकरण किसी आंदोलन पर आना और आंदोलन में ऐसे लोगों का घुसपैठ कर जाना, वो वाकई में चिंताजनक है, और इस चिंता को मुझे लगता है कि सरकार गंभीरता से लेगी। देखिए, मुझे लगता है पहले दिन से हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सिंह जी ने बार बार कहा है कि आपके आंदोलन के बीच कुछ अराजक तत्व आ चुके हैं जो बार बार इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बार बार कहा कि आप उनकी ना माने और जो किसानों का जो मुद्दा है उसको बार बार आप रखें, हम उसको डिस्कस करने को तैयार है, उस पर बात करने को तैयार है, उस पर चर्चा लगातार होती रही। कम्युनिकेशन मुझे लगता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है कि बातचीत होती रहे तो बातचीत का हल निकलता है। बातचीत सरकार करने के लिए हमेशा रेडी रही, हमने 2 कदम पीछे भी किए किसके लिए, किसानों के लिए, लेकिन किसान किसी भी बात से मानने को तैयार ही नहीं है। पहले बोले थे ये मान जाएंगे, अब उन्होंने कहा 1.5 साल तक सर्विस करेंगे तो वो मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात, आज के मुद्दे पर आते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भी स्टोरी जिस भी इंसान ने गढ़ी उसे मालूम है कि 26 जनवरी को आपने राकेश टिकैत जी का पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा कि हमारे ट्रैक्टर को रिंग रोड पे दौड़ेंगे, जो भी हमारे बीच में आएगा उसको देख लेंगे, मिटा देंगे, और ऐसा वीडियो इंटरनेट पर और इस फोर्ड भाषा का इस्तेमाल किया जाना। उस वीडियो से इसका आराम से अवेलेबल कनेक्शन है क्या? उस वीडियो से इसका कनेक्शन है इस कल जो बिल्कुल है पकड़ा गया, इनको मालूम है कि अगर कल को हम कोई हरकत करते हैं और पुलिस इनको रोकने की कोशिश करते तो कुछ होने से पहले ही ये लोग बात का बटंगड़ बना दें, तो पहले ही एक कहानी गढ़ दी गई है। ये आपके पास निकल कर आ गया सर, खुलकर आ गया सरकार के पास कि ये सब कुछ है? जब आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने जांच करवा ली है। हेलो, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप देखिए ना, प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो खुद ही सरकार चला रहे हैं, उनकी पैरेलल एक इंटेलिजेंस चल रही है। पैरेलली वो एक आदमी को पकड़ते हैं, उसे अक्यूज करते हैं, उसे मीडिया के सामने बिठाते हैं, उसका लीगल ट्रायल हुए बिना उसको पुलिस को नहीं सौंपा जाता। पहले मीडिया को जो कहना है कह दिया, जो दुनिया में जो बात फैलानी फैला दी, उसके बाद उसे पुलिस में दिया जाता है, और पुलिस में जब जाकर वो अपना बयान बदलता है, जब वो जाकर बोलता है कि नहीं भाई साहब मेरे को तो बहला फुसला के भिजा दिया था, तो मुझे बताइए इसमें किसानों की क्या रह गई? उसने ये भी कहा है कि उसने झूठ बोला था कि लड़की को छेड़ा जा रहा है, खुद कह रहा है वो पुलिस के सामने, खुद कह रहा है ना। आज उसने खुद मान लिया है कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री शूटर नहीं है। अरे कुछ तो किया होता उसने, आपने किसी भी अननोन आदमी को फोर्सफुली पकड़कर बैठाया, अपनी बात जो उससे कहलवानी थी कहलवाई, उस पर जिम्मेदारी डाल दी और आप पीछे हट गए। और ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसी किसान आंदोलन के चलते कुछ अराजक तत्वों ने पहले 200 टावर भी तोड़े थे, टेलीकॉम टावर, उसमें तो किसी सरकार का कोई फायदा नहीं था। कैमला कांड में इन्होंने मुख्यमंत्री का पूरा वो तोड़फोड़ कर दिया था, वहां पर मंच, वहां पर मुख्यमंत्री को आने नहीं दिया, उसमें भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। भाजपा के झंडे तक इन्होंने वहां पे गाड़ियों से उतार दिए, उसमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। उससे ये पता लगता है, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं उससे ये साबित होता है कि इस पूरे प्रकरण को किसानों की तरफ से प्लान किया गया, इस पूरे मामले की जांच सरकार की तरफ से कहा गया, सीएम मनोहर लाल ने कहा, एक मिनट, सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच में जो सामने आएगा पता चलेगा। लेकिन आप उससे जांच से पहले ही बात कह रहे हैं कि प्लान तरीके से सब किया गया। मैं जानूंगा, राकेश बैंस मेरे साथ हैं,
मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन के राकेश बैंस जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, नमस्कार जी। नमस्कार राकेश साहब, ये जो कल युवक आप लोगों ने रात को पकड़कर मीडिया के सामने पेश किया, इसको लेकर आपका कमेंट जानूंगा। और सरकार से मैंने पूछने की कोशिश की तो उनका ये कहना कि प्लानिंग के तहत आप लोगों ने सब किया है। राकेश बैंस जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी सी। आप नेटवर्क में आने की कोशिश करें, क्योंकि आपका पक्ष जानना बेहद जरूरी है, और अगर इसमें कहीं पर कोई दुराव या छिपा हो तो जनता के सामने वो आना चाहिए। हमारा काम यह है कि जो साफ सुथरा काम है वो जनता के सामने जाए, और जिसने भी हरकत की है, जो भी इस हरकत को करने के पीछे साजिश रच रहा है, उस साजिशकर्ता को लेकर लोगों को समझ होनी चाहिए। शंभू भद्रा जी, आपके पास आ रहा हूं, राकेश जी के पास जाएंगे, लेकिन थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत है। शंभू भद्रा जी, अभी तक इस पूरे मामले की जांच हुई नहीं है। मीडिया के सामने जब किसान लेकर आते तो कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा था, वो सारी बातें हमने दर्शकों को दिखाई और ग्राफिक्स के जरिए वो चीज हम दिखा भी रहे हैं, और दूसरी तरफ जब पुलिस के सामने उसको लेकर जाया जाता है तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। अब मेरे साथ अजय सहरावत जी, वो कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत सब किया गया, ऐसा किसान कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें अभी कोई भी राय बनाने से पहले इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही इस पे कोई राय बनानी चाहिए। क्योंकि कल रात में जो उसको पेश किया गया था तो उसका चेहरा ढका हुआ था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कर रहे थे वो किसान की तरफ, संगठन की तरफ से बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि इनको मैंने पकड़ा है, और ये दावा कर रहे, इनका ये कहना है, यानी वो व्यक्ति खुद क्या कह रहा था, वो उसका मुंह ढका हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा था। किसान संगठन के तरफ से बातें कही गई थी कि ये इस व्यक्ति ने ये बातें कही है। तो एक तो वहाँ जो तरीका था वो पुलिसिया तरीका था, तुरंत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तुरंत से जारी करना, और तुरंत अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति थी तो पुलिस में पूछताछ के बाद वो क्या कह रहा है या क्या कहा है, वही चीज सामने आती तो संदेह ज्यादा नहीं होता। और आज देखिए कि जब पुलिस कस्टडी के बाद उनका सुबह बयान ही बदला हुआ है कि हमें जबरदस्ती कहलवाया गया या क्या किया गया, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले उसके पूरे पहलू की जांच की जाए, उसके बाद कोई ओपिनियन बनाई जाए उसके बारे में, उसका सच क्या था, क्योंकि उनके उनके ही दोनों समय के बातों में विरोधाभास है, और इस विरोधाभास के पीछे कोई न कोई तो होगा, यानी कि कुछ न कुछ तो है इसके पीछे, जो जिसकी जांच होनी चाहिए और वो सामने आना चाहिए। हम पहले से उसको लेकर के कोई अवधारणा या कोई किसी तरह की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, इस प्रकार की बातें करने से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है, और गणतंत्र दिवस के मौके पर जो सब ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार का कार्यक्रम हो, क्योंकि किसानों के विरोध के चलते सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, और इस गणतंत्र दिवस की गरिमा का हमें ख्याल रखना है, और इस गरिमा का ख्याल रखते हुए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का सामने आता भी है, या फिर इस प्रकार के लोग अगर इस आंदोलन में शामिल हो गए, तो उनकी पहचान करना, पकड़ना जरूरी है, उनका बेनकाब होना बेहद जरूरी है। अनुज अत्रे साहब, अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करता हूं तो उनका ये कहना है कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग के तहत सब किया गया, क्या ऐसी धारणा कांग्रेस भी रखती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जिस तरह से ये आ रहा है सामने, ये प्लानिंग तो लग रही है कि एक व्यक्ति का आ जाना वहां पर, हथियार लेकर के आ जाना इतने भरे लोगों के बीच में, और पहले कुछ बयान देना, फिर बाद में कुछ और बयान दे देना, तो ये, और पुलिस की भी इसमें कहीं ना कहीं रोल जो है वो भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि कहीं किसको फेवर किया जा रहा है और किसको क्या उससे कहलवाया जा रहा है, ये सब बातें क्यों हो रही हैं, आखिर ये इस तरह का माहौल क्यों वहां पर सिंघू बॉर्डर पर ये पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगातार ये सरकार और ये इनका पार्टी बातें, इनका पार्टी अजय सहरावत तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे किसानों का बयान पहले आते रहे लगातार, उनकी योजना थी, पूरी योजनाबद्ध तरीके सब किसान कर रहे हैं, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो ताकि पहले से एक माहौल बना दिया जाए कि ऐसा कुछ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। देखिए, ये इनकी योजना, किसानों की अगर ऐसी योजना होती तो किसान आज 68 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से नहीं बैठते। ये सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने बयान में कहा है, इतने पीसफुली और इतने एक मैच्योर तरीके से और इतने डिसिप्लिनरी तरीके से अपना ये आंदोलन चला रहे हैं, हमें उनके किसानों का सम्मान करना चाहिए। और देखिए, कृषि हमारी पहचान है, किसान इस देश का सम्मान है। आज किसान सड़क पर बैठा है, बॉर्डर पर उसको आतंकवादियों की तरह ऐसे बैठा दिया गया है कि ना जाने वो हमारे देश का कोई दुश्मन हो।
तो इस तरह का बर्ताव किसानों के साथ ठीक नहीं है कि आप वोट लोते टाइम तो आपके लिए वो अन्नदाता है और किसान अपने हक की बात करे तो आप उनके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। और देखिए किस तरह किस किस तरीके से उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार बहुत ही अहंकारी तरीके से किसानों के साथ ये डील कर रही है, पूरा देश का किसान रहा है। मेरे साथ राकेश बैंस जुड़ गए हैं। राकेश बैंस जी, मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है? आ रहा हूँ सर, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। राकेश जी, चलिए राकेश जी का संपर्क टूट गया मेरे साथ। जी हेलो। जी सहराव साहब बोलिए। मैं शंभू बात कर रहा था। अजी शंभू जी बोलिए। हाँ। लीगल ट्रायल के उसका लीगल ट्रायल कर दिया है, लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है कि ऐसा किसान में आके ये गोली चलाने वाला था या अराजकता फैलाने वाला था, ऐसा किसान प्रतिनिधि ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने किसी से पूछा नहीं, उन्होंने ये तक भी जिम्मेदारी नहीं समझी कि उसका पहले लीगल ट्रायल किया जाए, पुलिस को दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैरेलल कुछ अराजक तत्व वहां बैठकर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, जिनकी खुद की आईडी है, खुद की इंटेलिजेंस है। लेकिन सर लीगल ट्रायल होने से पहले आप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्लानिंग है ये, आप तो ये भी तो कह रहे हैं कि किसानों की योजना थी ये सब। आप तो लीगल ट्रायल की बात करते तो लीगल ट्रायल हो जाने देते ना, उससे पहले क्यों आप कह रहे हैं कि किसानों की योजना थी? देखिए हमने क्या कहा दीदी, हम कह रहे हैं कि हम उसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन उसमें जांच पड़ताल जांच से पहले आपका इस तरह से बोलना, आपको लगता नहीं कि ये सब ठीक है गलत है? जांच पड़ताल के दौरान ही जो आदमी ने स्टेटमेंट, मैं पूछूंगा ना कि राकेश, मेरे साथ राकेश बैंस जुड़ेंगे तो सवाल पूछूंगा कि आपने पुलिस को क्यों नहीं सौंपा, आप अपनी तरफ से मीडिया के सामने लेकर आते हो। राकेश जी, राकेश बैंस जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, चलिए संपर्क उनके साथ नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, हम कोशिश कर रहे हैं। बात देखिए ना शमशेर जी, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। कैमला कांड करने के लिए किस पार्टी का फायदा होता? अगर मैं कांग्रेस की तरह सोचना शुरू करूं तो इस हिसाब से तो सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम ही करते रह जाएंगे। कैमला में कांड करते हैं वो कौन लोग थे, जो टेलीकॉम टावर तोड़ते हैं वो कौन लोग थे, जो पोस्टर फाड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं, जो फोर्ड बयानबाजी कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि किसान गोली में चलवा देंगे? शंभू भद्र जी, शंभू जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा ये कहना था कि अभी जिस तरह से हमारे इससे पहले दोनों ही दल के जो प्रवक्ता हैं वो एक तरह से जांच से पहले ही अपने अपने डिसीजन सुना रहे हैं। एक तो लगता है कि किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है तो वो क्यों किया गया, दूसरा कह रहे हैं कि पुलिस के का जो वर्जन है वो ऐसा क्यों था, यानी कि दोनों की बात नहीं कर रहे, किसान के पक्ष की बात कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो ये प्रवक्ताओं को तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि जो आप केवल इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर किसी एक पक्ष को टारगेट ना करें, आप उनकी सच्चाई तक जानने का प्रयास करें कि उसके पीछे कौन था और उसके पीछे मकसद क्या है, वो जब तक जांच में सामने ना आ जाए। क्योंकि मुझे तो इस केस में लगता है कि दोनों ही तरफ से कुछ न कुछ कमियां रही हैं। कल जिस जल्दीबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया वो भी संदिग्ध है, और आज जिस तरह से उन्होंने बयान बदला है पुलिस के कस्टडी में वो भी संदिग्ध है। तो दोनों ही इस स्थितियों की जांच होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले बेहद जरूरी है। राजनीति के तौर पे ना देखा जाए, अगर राजनीति देखेंगे तो किसान की तरफ से भी मतलब हट पे अड़े हुए हैं और सरकार भी हट पे अड़ी हुई है, दोनों ही अपने हट से पीछे नहीं हट रहे हैं, और जिसकी वजह से 11 दौर की वार्ता के बाद सरकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। लगातार कम्युनिकेशन, देखिए ये एक मिनट सरावत साहब एक मिनट सुन लेते हैं शंभू जी को, फिर आपके पास आ रहा हूँ, वक्त आपको दूंगा। हाँ जी, सरकार की तरफ से जो दिया गया है किसानों को कि भाई एक साल के लिए डेढ़ साल के लिए कानून को हम होल्ड पे रखते हैं, तो इसमें किसानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम एक साल के लिए होल्ड है तो उसको देखते तो कि आखिर होने वाला क्या है, या अभी ही मान लीजिए कि आप ये तय कर लें कि हाँ कानून जो है तो खराब ही कानून है, ऐसा पहले ही मान लेंगे आप, और उसको आजमाने का कोई मौका नहीं होगा। जब एक साल डेढ़ साल के लिए होल्ड हो गया तो एक साल डेढ़ साल इंतजार करने में दिक्कत क्या है? आप तो किसान संगठन यही चाहते हैं ना कि कानून लागू ना हो, बिल्कुल, और सरकार होल्ड करने को तैयार है। मुझे एक छोटा सा इस पर आपका कमेंट चाहूंगा कि 26 जनवरी के इस मौके पर ऐसे घटनाक्रम का हमें विरोध करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को इस प्रकार के प्रकरण को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के आंदोलन के दौरान और गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ भी गलत होता है तो इसमें केवल आंदोलन करने वालों की, राजनीतिक पार्टियों की या फिर उन आम लोगों की इंसल्ट नहीं होगी बल्कि पूरे देश के लिए अपमान का क्षण होगा ये।
बिल्कुल आपकी बात सही है और इस गणतंत्र दिवस के ठीक मौके पर इस तरह के एलिमेंट का जो कोई भी यूज कर रहा है वो देश हित में नहीं है, देश के लिए गलत कर रहा है, देश के लिए विरोधी चीजें हैं। हम गणतंत्र दिवस हमारा स्वाभिमान का, हमारा शक्ति का एक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, तो इस तरह के पर्व से पहले इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और ये एक बिनौनी राजनीति ही होगी अगर इसके पीछे कोई राजनीति कर रहे हैं तो। ठीक है, हरविंदर सिंह मेरे साथ किसान नेता जुड़े हैं। हरविंदर सिंह जी स्वागत है आपका। नमस्कार हरविंदर जी। हरविंदर जी, ये जो कल प्रकरण हुआ, देर रात आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उस संदिग्ध युवक को आप लोगों ने पुलिस के हवाले किया, लेकिन पहले कुछ और बयान दे रहा, बाद में बयान से पलट जाता है। सरकार से सवाल कर रहा था, सहरावत साहब से कह रहे थे कि आप लोग पहले ऐसे काम करते रहे जिससे इस बात का संदेह होता है कि आपकी प्लानिंग थी। क्या है कि सरकार बरगला चुकी है और जिस प्रकार से अब बहुत बड़ा हजूम आज सरकार की, मतलब हमारे यहाँ हरियाणा से, पंजाब से या पूरे भारत से आ रहा है, दिल्ली के अंदर सरकार जो है वो विचलित हो चुकी है जी। और सरकार इस तरह की ऊंची हरकतों पर आ चुकी है जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसे संदिग्धता अब हम पकड़ रहे हैं और हमारा जो तंत्र है वो बहुत मजबूत है, जिस मतलब हम ऐसे लोगों को पकड़ने में सफल हुए और उसकी फाइट भी करवाई है हमने। लेकिन आपने मीडिया के सामने पेश कर दिया, पुलिस को सौंपना चाहिए था, ऐसे ऐसी बातें सामने आ रही है, कहती कि पहले उनको मीडिया के सामने क्यों लेकर आए आपने, क्या वजह थी? बिल्कुल, हमने सबसे सबसे पहले मीडिया वास्तविकता है कि हम ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं। अगर हम सरकार को पकड़ा देते तो शायद ये बिल्कुल सामने ना आ पाता और हमारे जो किसान है वो अब अलर्ट हैं, वो तभी हो पाएंगे अगर हम उनको बताएंगे कि ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं वो हमारे अंदर आ चुके हैं और वो अलर्ट पर जाकर के ऐसे संदिग्धों को फिर से हम पकड़ सके। ठीक है सहरावत जी, छोटा सा कमेंट आपको, उसके बाद अजय त्रिजी का, एक बात और पूछूंगा आप लोगों से। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए, आप लोगों से अपील भी चाहूंगा मैं छोटी छोटी। देखिए 26 जनवरी आप दिल्ली में रहे, मैं तो दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो हर जगह सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, सब जगह कोशिश करी जाती है कि चीजों को रोका जाए, शॉपेज पर होता है, बिल्डिंग ऑफिस सब बंद होते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इस बार तो शुक्र है कि कोरोना के चलते बाहर से देश से लोग नहीं आ रहे, नहीं तो बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स भी आते थे। तो सोच कर देखिए 26 जनवरी को ही टारगेट करके इस तरह की रैली का आयोजन करना, ये अपने आप में एक अलर्ट होने की सिचुएशन है। जबकि लोग कह रहे हैं कि पीसफुल मार्च निकालेंगे, तो अगर इतना बड़ा हुजूम जब निकलेगा क्या आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, क्या किसानों के कुछ प्रतिनिधि लोगों को इस तरह के कांड करके, एक मीडिया प्लानिंग करके, मीडिया के सामने का आदमी को लाकर क्या बरगलाने का काम नहीं कर रहे? बिना पुलिस को दिए, बिना पुलिस में विश्वास किए, क्या ये सरकार में अविश्वास दिखाने का एक जरिया नहीं है? क्या वहां पर एक पूरी पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है? क्या आईबीबी है उनके पास, उनकी अपनी आपको पहले सौंप देते तो बात सामने नहीं आती, जो बात सामने आ गई है नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना, इसका मतलब आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, पार्टी खत्म होगी सबको। जब आपने हमें गलती मांग लिया है, आपका पुलिस पे विश्वास नहीं, आपका प्रशासन पर विश्वास नहीं, आपका किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं, तो फिर बात ही क्या है? ठीक है, जो वहां पर जो लोग कर रहे हैं, चलिए जो लोग कर पा रहे हैं, 26 जनवरी को लेकर आपसे आपकी जो एक राय है वो जानना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, शांतिपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास, आपसे भी और अत्रे साहब से भी, जल्दी से। मैं सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से भी, 26 जनवरी पर करी जाने वाली जो रैली का जो आपका प्लानिंग है उसको आप रोक दीजिए। एक किसान संगठन जो अपने उम्मीदों को, जो अपनी आशाओं को लेकर सरकार के पास आया है, सरकार उससे लगातार कम्युनिकेट कर रही है, मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि दोनों कमेटियों के बीच में समन्वय बनेगा, उस बात का हल निकलेगा। लेकिन ऐसा ना हो, हम इस किसान आंदोलन के जरिए कहीं हिस्से में एक ऐसा काला धब्बा ना बना दे इस तरह की चीज करके कि आने वाले किसान आंदोलन की दुनिया रिक्वेस्ट ना करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है 26 जनवरी को पीसफुली जाने दिया जाए। धन्यवाद अनुज अत्रेजी। देखिए शमशेर जी, ये सरकार जो किसानों के लिए इतने बड़े बड़े उपदेश दे रही है 26 जनवरी को लेकर, तो ये सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं इस चीज को लागू कर देती? क्यों नहीं किसानों की मांग को जो मान लेती है? तो किसान तो किस लिए रैली निकाल रहे हैं? किसान अपनी एक एकता दिखाना चाहते हैं, साथ साथ जो देश का, क्योंकि वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हुए हैं, यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो अपनी एक वो रैली के तरीके से सरकार को और इस देश की जनता को संदेश भी देना चाहते हैं कि पूरे किसान एकजुट हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि किसान एकजुट नहीं है। और वो बार बार कह रहे हैं कि जब हम 59 दिन से बैठे हैं, आज तक कोई भी एक छोटा सा भी कोई
हिंसक घटना नहीं हुई है और पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनके जिम्मेदार लोग जो संक्रमित लोग हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा और वो उस रूट पर भी नहीं आना चाहते हैं जहां पर ये हमारी 26 जनवरी की परेड निकल के ना राजपथ जाना चाहते हैं ना लाल किला जाना चाहते हैं वो तो। और रही बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले का गया था, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें अगर बहुत कुछ गलत लगता है इस रैली को लेके तो सुप्रीम कोर्ट वहीं हाथ क्या इस पर स्टे लगा देती। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर का बताते हुए सरकार और पुलिस के ऊपर छोड़ दिए कि अगर आपको लगता है कि स्थिति ठीक है तो आप अलाउ कर दीजिए। इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कोई गलत नहीं लगा इनकी रैली निकालना है, कि वो निकालना चाहते हैं आप शांतिपूर्वक तरीके से देख लीजिए व्यवस्था कर लीजिए और निकलवाने ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार उनको उस नौबत तक आने ही क्यों देना चाहती है अगर इतनी सरकार घबराई हुई है ठीक है, उससे पहले ही क्यों नहीं ये हल कर बिल्कुल सरकार ने आपको भी कर दी। अनुज अत्रे जी इस चर्चा में जुड़े आप धन्यवाद, सहरावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शंभू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हरविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में आप जुड़े मेरे साथ बातचीत की। मसला ये था कि जिस तरह से कल किसानों की तरफ से देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने दावा किया कि इस आंदोलन में कोई हिंसा भड़काना चाहता है और उसमें एक संदिग्ध युवक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने लाया गया, प्रेस के सामने लाया गया, उसने भी कुछ ऐसी बातें कही जिससे ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। उसने कहा कि हाँ मैं हिंसा भड़काना चाहता हूँ, मैं और भी बहुत सारे साथी हैं, मीडिया के सामने बोलता नजर आया, लेकिन जब उसको पुलिस को सौंपा गया तो पुलिस के सामने सारी की सारी बातों से वो मुकर गया और कहा कि नहीं ये सारी की सारी चीजें जो है दबाव में मुझसे कहलवाई गई। लेकिन बड़ा मसला ये है कि 26 जनवरी के इस खास मौके पर हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए ये फख्र का दिन होता है, गौरव का दिन होता है और ऐसे आयोजन में अगर कोई व्यक्ति ऐसी मंशा रखता है, कोई भी व्यक्ति, वो हिंसा भड़काना चाहता है, किसी कार्यक्रम में जाकर के वहां पर गोली चलाना चाहता है, मैं केवल इस संदिग्ध युवक की बात नहीं कर रहा जो आरोप लगे हैं वैसे बता रहा हूं, वो निंदनीय है और खबर फास्ट ऐसे किसी भी व्यक्ति की, ऐसे किसी व्यक्ति के ऐसी मंशा की निंदा करता है जो हमारे राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं या कोई भी हमारा त्यौहार होता है या कोई भी ऐसा दिन होता है जहां पर उसकी मंशा देश के खिलाफ होती है, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। और इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें गलत मंशा किसकी थी, कौन चाहता है कि इस पूरे प्रकरण में पूरे आंदोलन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश के ऊपर एक बदनामी का धब्बा लगे, वो चीज सामने आनी चाहिए और जब तक वो चीज सामने आएगी नहीं तब तक इस पूरे मामले पर यह कहना गलत है कि कौन गलत है और कौन ठीक है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।